माई YouTube फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सो यस, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है. फर्स्ट देखे बगैर ही सही है. मैं आज आ रही हूँ एक गेट टुगेदर पे, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाती हूँ. तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है. दिस इज़ हाउ आई लुक. तैयार हो चुकी हूँ और ये मैंने ज्वेलरी पहनी है और साथ में मैंने ये ड्रेस जो है ये मैंने लिया है सोवियर से. और अब इसकी फुल पिक्चर लगाऊंगी कि पीछे हैंगर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अनोइंग लग रहे हैं, लेकिन इनको मैं आके करूंगी क्योंकि अब टाइम नहीं है. सो यस, एंड इंशाल्लाह आगे आगे चलते हैं, ठीक है. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड यस अब आगे के चलते हैं, ठीक है. चलो जी, अब हम जा रहे हैं. सो वी आर ऑन द वे, सो लेट्स सी हाउ. तो सबसे पहले उन्होंने हमें सूप सर्व किया और साथ में सर्व किए जी ये फ्राइज. बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी थे. सूप था 19 भी एंड इट वाज यम्मी. और साथ में क्रैकर सर्व किए थे, वो भी बहुत मजे के थे. सो ओवरऑल द टेस्ट वाज गुड. सारे खाने का जायका बहुत अच्छा था. जगह जो है ये अलावा इकबाल टाउन में एक जगह है, वहाँ पे था. मैंने शुरू में दिखा दिया है, आप लोग ढूंढ सकते हैं. उसके बाद उन्होंने ये चिकन चिली ड्राई सर्व किया, साथ में चाउमिन सर्व की और उसके साथ थे राइस. इनका भी जायका बहुत ही अमेजिंग था. हम सब ने खूब गपशप लगाई. आफ्टर सो लॉन्ग आई वॉज मीटिंग माई फ्रेंड्स और हम सब ने खूब गपशप लगाई और साथ में हमने खूब खाना इन्जॉय किया. खाना वॉज 10/10, इट वॉज़ वेरी टेस्टी. और मैं ये ज़रूर जगह आप लोगों को रिकमेंड करूँगी. और बस वो हम लोगों ने एक दूसरे की वीडियोस बनाई, थोड़ा सा फन किया, गपशप लगाई. और इस चाइनीज़ खाने के बाद उन्होंने हमें फास्ट फूड सर्व किया था, जिसपे था पिज्ज़ा और साथ में थे चिकन था फ्राइड और साथ में सम रैप्स टाइप थे, टॉर्टिलाज या रोल या शवरमा जो भी उसको कह लें. सो इट वाज अमेजिंग. ये भी बहुत टेस्टी था. ये बस ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फुल. सब चीज़ों का जायका बहुत अच्छा था. हम सब ने खूब इंजॉय किया, खूब गपशप लगाई. आई रिकमेंड दिस प्लेस. आप लोग भी जो जो लोग देखेंगे वीडियो ज़रूर जाएं और जाके विज़िट करें और खाए पिए, ठीक है. और मुझे भी दुआओं में याद रखें. और उसके बाद ये आ गया ब्रोस्ट. उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो गए थे शादी पे, वो भी अभी आ जाएगा लेटर. कल सूप ने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे. ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है. ओवरऑल द एम्बियंस वाज गुड. बहुत ज़्यादा खुली जगह नहीं थी, लेकिन इट वाज वेल डेकोरेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. सो मस्ट ट्राई दैट. और फिर एंड पे हम लोगों ने एक ये पिक्चर ली सब ने, एंड देन आई वेंट टू शादी. घर आके मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं गई शादी. और मैं वहाँ से हुआ ही थी, मैंने स्टोरीज की डाली अपनी इंस्टाग्राम पे डाली थी, बाकी वीडियो भी डाल दूँगी. सो यस, आई एम हेयर एट द वेडिंग ऑफ वलीमा है जी. अभी है मेरी फ्रेंड उनके बेटे का. सो यस, उधर आई हूँ. अभी चल के देखते हैं कि वलीमा कैसा है, होपफुली गुड. मैंने ज्वेलरी बिल्कुल भी चेंज नहीं की, जल्दी से बस वही पहनी हुई जो ड्रेस के साथ पहनी हुई थी. मेकअप भी वही है, लिपस्टिक हल्की सी रिटच की है, पहले और लगाई हुई थी हल्की सी और लगाई, बाकी फेस बिल्कुल सही है. हल्का सा पाउडर पाउडर लगा के सेट कर लिया. सो यस, नाउ आई एम गोइंग इनसाइड, ठीक है. शादी जो थी इट वॉज़ अ वलीमा सेरेमनी और अच्छा मज़ा आया आफ्टर सो लॉन्ग. इधर भी मेरी कुछ फ्रेंड से मुलाकात, तो एक फ्रेंड है उनके बेटे का वलीमा था, अच्छी फ्रेंड है. उसके बाद वहाँ पर कवाली नाइट थी. सिंगर का नाम मुझे नहीं पता है, बट इट वॉज सम फेमस सिंगर, लेकिन इनका नाम ही मुझे पता था. सो यस, कवाली नाइट इन्जॉय की. और सुनने में आया था कि इस सिंगर का कोई एक गाना बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर हुआ है, लेकिन ही डिड नॉट सिंग दैट सॉन्ग. सो यस, और अब आप लोग थोड़ी सी कवाली नाइट इन्जॉय कर लें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें. इट वुड मीन अ लॉट, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो यस, अब कवाली नाइट इन्जॉय करें और उसके बाद फिर अल्लाह. Oh,
झूठा हुंदा प्यार।